नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की भी घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला बरेली। तारीख थी 29 जुलाई 2024। बरेली में एक थाना, देहात का थाना है हाफिजगंज। हाफिजगंज कस्बा भी है, कस्बे में ही एक महिला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पकड़ो पकड़ो, मेरी सास की इज्जत लूट ली। बात दिन में 1 बजे की है। आस पड़ोस तुरंत भाग कर वहां आया और ये देखा कि घर में 85 साल की महिला, 85 साल की बुजुर्ग महिला लगभग नग्न अवस्था में कराह रही थी और वहां से अपने कपड़े जल्दबाजी में नहीं पहन पाया होगा, एक लड़का वहां से निकलकर भाग रहा था। पूरा गांव उस लड़के के पीछे पीछे, थोड़ी दूर उसे दौड़ा के करीब 500 मीटर या 800 मीटर दौड़ा के गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोग भागकर जब तक वहां आते तब तक महिला ने दम तोड़ दिया था। फौरन पुलिस को बताया गया, पुलिस भी 5 मिनट में आ गई। पुलिस ने उसको एम्बुलेंस बुलवाया, एम्बुलेंस में रख के उस बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉट डेड यानी मृत घोषित कर दिया। पुलिस भी हैरान थी, लोगों के दिमाग में भी या उनके शरीर से, जैसे वो कहते हैं ना, शर्म सी सबके आ रही थी। लड़का पकड़ा गया था, लड़के का नाम राकेश था, उम्र थी 35 साल और उस महिला का पड़ोसी था। पुलिस ने उस मृत महिला की लाश का पंचनामा किया, पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राइमा फेसी डॉक्टर ने यह कहा या बताया कि महिला के साथ दुराचार हुआ है, बड़ा विकृत दुराचार किया गया है और इस सदमे को सह न पाने के कारण महिला की मौत हो गई है। पूरा गांव पुलिस की कस्टडी से उस लड़के को छीनना चाह रही थी, 35 साल के राकेश को छीनना चाह रही थी ताकि उसे मौके पर ही सजा दे दी जाए। पुलिस को बहुत मुश्किल हुई उसे बचाकर वहां से दूसरे थाने पर ले जाने में। पुलिस ने पूरी बात पता करने की कोशिश की तो ये पता लगा कि महिला के पति और महिला के बेटे दोनों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। महिला का एक भाई और भाभी और महिला के मृतक बेटे की पत्नी भाई भाभी के साथ मोहल्ले में ही बगल के एक मकान में रहते थे और महिला घर में अकेली रहती थी। उसकी बहू जो महिला के भाई भाभी के साथ रहती थी उसे समय समय पर खाना पहुंचा दिया करती थी, खाना खाती थी और उसके बाद फिर वो उम्र उसकी 85 साल हो ही गई थी, बहुत ज़्यादा बाहर जाने की स्थिति में नहीं थी, घर के बाहर ही कभी कभी दिन में और कभी घर के भीतर अपनी चारपाई पर वो लेटी रहती थी, सो जाती थी। घटना वाली दिन यानी 29 जुलाई 2024 को दोपहर करीब 12:30-1 बजे के आसपास उसके मृतक बेटे की पत्नी यानी उसकी बहू उसके भाई के यहां से उसका खाना लेकर आई। भिड़े हुए दरवाजे को जैसे ही उसने धक्का देकर खोलने की कोशिश की, उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी सास के साथ दुष्कर्म कर रहा है। उसके हाथ से खाना गिर गया, वो जोर से चिल्लाई
और सबको आने के लिए कहा कि पकड़ो पकड़ो, मेरे सास की इज्जत लूटी है। क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा उसे, उस लड़के को अपनी सास के साथ दुष्कर्म करते हुए। घना सा मोहल्ला है, लोग तुरंत टूट पड़े और वहां बिना कपड़े पहने हुए उसने भागने की कोशिश की। पूरे पूरे मोहल्ले ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। इस बीच में दर्द से कराहते हुए उस महिला की मृत्यु हो चुकी थी। लौट कर लोग आए, तब तक पुलिस, हाफिजगंज पुलिस थाना वहां से बहुत नजदीक है, 5-7 मिनट में पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस को भी बुलाया गया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस या पुलिस आती महिला ने दम तोड़ दिया था। फिर भी उसको एम्बुलेंस से लेकर हॉस्पिटल तक पुलिस गई, लेकिन वहां भी डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। लड़का पकड़ा गया, लड़के के बारे में गांव वालों ने भी बताया और लड़के से पूछताछ करने पे उसने भी बताया कि वो शराब पीने का आदी है और जो कुछ उसने किया शराब के नशे में किया। पुलिस का कहना है कि नहीं, ये बहुत विकृत मानसिकता का व्यक्ति है और इसने इतनी बुजुर्ग महिला के साथ जो ये कुकर्म किया है ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। पुलिस ने मौके से जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा कर सकती है पुलिस ने किया। उसके कपड़े सील किए गए, मृतक महिला के कपड़े सील किए गए और तमाम इस बात की पुष्टि के लिए कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, और भी जो स्वैब इकट्ठा किया जाता है, स्लाइड्स बनाई जाती हैं, वो सब डॉक्टर्स ने किया ताकि अच्छा प्रोसिक्यूशन केस तैयार किया जा सके। राकेश को पुलिस ने फिर जेल भेज दिया, लेकिन इस घटना ने खाली उसकी बहू या मृतका के भाई भाभी उसी को आहत नहीं किया, पूरे समाज को आहत किया। जिस दिन की यह घटना है उस दिन रात में हाफिजगंज कस्बे में जैसे कर्फ्यू लग गया हो। किसी ने डराया नहीं, किसी ने धमकाया नहीं, कोई आगजनी नहीं हुई, कोई बलवा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस घटना से महिलाओं के मन में इतना डर बैठ गया कि उस रात कोई महिला उस कस्बे में जल्दी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुई। पुलिस की बड़ी टुकड़ी वहां लगाई गई, लोगों से बातचीत की गई कि अपराधी पकड़ गया है, उस कानून उसकी सजा देगी, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पब्लिक यानी लोग या वहां के निवासी इस बात को किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे अगर कोई लड़का लड़की की बात हो तो लोग ये बताएंगे कि साहब दोनों में पहले से संबंध थे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मार दिया, गला काट दिया, बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन अपराधी यानी उस अभियुक्त की मां से, मां के मां की भी उम्र की ये महिला, उसके साथ की गई ये निर्मम दुर्घटना, ये निर्मम घटना, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। और सबको बस यही, लोगों ने ये कहा कि साहब आज पहली बार अपने को, अपने खुद पर, पुरुष होने पर शर्म आती है कि लोग क्या सोचेंगे, कितना दानव भरा है इस पुरुष के शरीर में, कोई विभेद नहीं कर पा रहा है वो कि कौन सी महिला कैसी है। बहरहाल सामान्य स्थिति वहां पर बहाल हो गई है और पुलिस अब की बार खूब ठोक बजा के उसकी अच्छी विवेचना कर रही है ताकि इस अपराधी को उचित सजा दिलाई जा सके। आज की घटना देखिए, आज तो अंधेर हो गई, ऐसी घटना कल्पना से परे है। देखिए कहीं और का आदमी, कहीं और की महिला, कहीं कोई गलतफहमी, कोई कंफ्यूजन, कुछ ये बात तो समझ में आती है। महिला भी वहीं की और वो अभियुक्त भी वहीं का, पड़ोस का,
अभियुक्त को यह सब पता कि इसके पति और इसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। उसको ये भी पता कि इसकी बहू एकमात्र वो इसके भाई भाभी के साथ रहने लगी है, वो भी असुरक्षा के कारण कि सास के साथ अकेली महिला रहेगी, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए कोई क्या जवाब देगा, तो वहां रहती थी। बुजुर्ग महिला अपने घर से जाने को तैयार नहीं थी। हर बुजुर्ग होने पर महिला हो या पुरुष उसको अपने संपत्ति या अपने पैतृक आवास या पुरखों की जमीन से बड़ा मोह होता है। उस घर से किसी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। खाने पीने का इंतजाम उसके भाई भौजाई और उसकी बहू किया करते थे। समय पर उसको खाना देना, उसकी तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर, सब कुछ वो लोग करते थे। तो कोई अननोन जगह की बात, इसलिए अंधेर शब्द मैं इस्तेमाल करूं कि अंधेर हो गई आज, सब जानते हुए भी। और यह कहना कि शराब के नशे या शराब के नशे का आदि होने के कारण उसने ऐसा किया, तो उसके घर में भी मां बहन थी, इसी बुजुर्ग के साथ ऐसा क्यों किया? शराब के नशे में तो फिर कोई दिखाई नहीं देता कौन घर का है कौन बाहर का है। ये राक्षस, ये नरपिशाच, ये दुर्दांत अपराधी, ये कामांध अपराधी, इसने जो आज किया है उसे हम तो ये कहेंगे समाज की जो मानसिक विकृति है वो भी सामने आ गई। समाज के सब लोगों की बात नहीं करता, वो भी आखिर एक समाज का हिस्सा था, लेकिन उसकी जो मानसिक विकृति है, जब तक छिपी थी तब तक छिपी थी, लेकिन आज ये विकृति उजागर हो गई। और शायद यही वजह है कि महिलाएं चाहे जिस उम्र की हों वो अब पुरुष को देखकर सहम जाती हैं, उन्हें डर लगता है, कोई ये बताता है कोई इस बात का जिक्र भी नहीं करता। लेकिन बात यही है, हाफिजगंज में तो महिलाओं के अंदर डर समा गया, वो किसी भी पुरुष को देखकर रास्ता बदल लेती हैं, घूंघट कर लेती हैं, चेहरे को आड़ में कर देती हैं, घूंघट के बीच में थोड़ी सी जगह निकालकर उससे देखती हैं। लेकिन अगर कोई पुरुष आ रहा है जा रहा है बगल से गुजर रहा है वो दूर हो जाती हैं, उनके अंदर डर समा गया है कि हो न हो ये पुरुष है। पुरुष ये राकेश भी एक पुरुष था, उसने 85 साल की महिला को भी नहीं बख्शा। वहां जब बातचीत हुई जब बिल्कुल सन्नाटा हो गया, पुलिस के अधिकारी पहुंचे, एसडीएम को भी भेजा गया, वहां रेवेन्यू के अफसर्स को भी भेजा गया, भाई लोगों के अंदर ये डर है इसको समाप्त किया जाए। तो वहां लोगों ने वहां के पुरुषों ने कहा कि साहब आज तो अपने पुरुष होने पर भी हम लोगों को शर्म आ रही है कि यह कैसा पुरुष था जिसने अपनी मां से भी, मां की मां यानी दादी के उम्र की एक महिला के साथ बलात्कार किया, और वो महिला जो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, वो महिला जो इतनी उम्र दराज है वो सामान्य थप्पड़ की पीड़ा सहने की स्थिति में नहीं थी, वो बलात्कार की पीड़ा नहीं सहन कर पाई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। पड़ोसी का ये कृत्य उसने पूरे समाज को अंदर से हिला दिया। 85 साल की महिला से 35 वर्ष के युवक ने जो घृणित अपराध किया वो अक्षम्य अपराध है, न यहां क्षमा करने लायक है, न ऊपर क्षमा करने लायक है, न समाज में क्षमा करने लायक है, और न ही अदालतें इसे क्षमा करेंगी, बिल्कुल क्षमा करने लायक नहीं, अक्षम्य अपराध है। ऐसी निरीह महिला, एक तो वो उम्र से निरीह है, दूसरे उसे ऊपर वाले ने निरीह बनाया, उसकी पत्नी, उसके पति और उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, बहू बेचारी वो भी उसके भाई बहन के साथ, भाई भाभी के साथ रहती थी, ऐसी समय की मारी हुई महिला के साथ ऐसा कुकृत्य, ऐसा घृणित अपराध, और इस अपराध को किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पति और बेटा शायद जिंदा होते
तो राकेश की हिम्मत भी नहीं पड़ती ऐसा करने की, ऐसा सोचने की, उधर देखने की भी। लेकिन उस अभागी के न पति थे न बेटा था, अकेला और लावारिस समझकर इस अपराधी ने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। अब तो सिर्फ ये देखना है इस पूरे केस में कि अदालत इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में मान पाती है कि नहीं। अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में मानेगी तो उसे फांसी की सजा होगी। अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में अपराध नहीं माना जाएगा तो उसे आजीवन कारावास ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल पुलिस की विवेचना का होगा। अगर पुलिस की विवेचना लचर होगी, टूटी फूटी होगी, कड़ी से कड़ी जुड़ी नहीं होगी तो अदालतें आखिर क्या करेंगी? कैसे वो इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानेंगी और कैसे ये सजा देंगी? तो लिहाजा सारा दारोमदार अब पुलिस पर है कि वो अपनी विवेचना में सारे कील कांटे दुरुस्त करके ठोस चार्जशीट लगाए ताकि ट्रायल के समय ये अपराधी बच न सके और ये अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आए। ये तो कामांधता की पराकाष्ठा है, इससे ऊपर कामांधता का और कुछ हो नहीं सकता। और फिर यही होता है, आखिर किस पर विश्वास किया जाए, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।